बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया की सीरीज़ की किस्त नंबर 33 में हम बात करेंगे उस सुल्तान के बारे में जिसका दौरे हुकूमत सबसे मुख्तसर था। कहते हैं कि तख्तो ताज किसी किसी को ही रास आता है, कुछ ऐसा ही इस सुल्तान के साथ हुआ। ऐसी क्या वजह बनी कि उन्हें महज 93 दिन बाद ही ओहदे से हटाना पड़ा? सुल्तान को पागलपन के दौरे क्यों पड़ते थे और वो कौन सी खराबियों में मुलव्वस थे? वज़रा ने उनको हटाने की कोशिश क्यों की? सुल्तान अपने चचा की खुदकुशी का जिम्मेदार किसको समझते थे? ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सल्तनत उस्मानिया के 33वें सुल्तान मुराद पंजम 21 सितंबर 1840 को इस्तांबुल के चिरागा महल में पैदा हुए। सुल्तान मुराद पंजम सल्तनत के 31वें सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल और शौके अफजा सुल्तान के बेटे थे। सुल्तान मुराद की तालीम तरबियत और परवरिश इसी महल में हुई। सुल्तान के उसाजा में तैपरिक सुलेमान अफंदी शामिल थे जिन्होंने सुल्तान मुराद पंजम को कुरान की तालीम दी, फारूक अफंदी जिन्होंने सुल्तान मुराद को उस्मानी तुर्की जुबान की तालीम दी, शेख हफीज अफंदी जो उन्हें हदीस सिखाते थे, मिस्टर गैरेट जो सुल्तान मुराद को फ्रांसीसी जुबान सिखाते थे, ये सब उनके उसाचा थे। सुल्तान अब्दुल अजीज की माजूली के बाद 30 मई 1876 को सुल्तान मुराद पंजम तख्त नशीं हुए और सल्तनत के 33वें सुल्तान बने। सुल्तान मुराद पंजम ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त कर्बगाल्डीर के अपने एक फार्म हाउस पर गुजारा जो सुल्तान अब्दुल अजीज ने उन्हें दिया था। सुल्तान मुराद पंजम उस्मानी खानदान के पहले रुकन थे जो ग्रैंड लॉज ऑफ द फ्री एंड एक्सेप्टिव मेसन्स ऑफ तुर्की के कारकुन बने। 20 अक्टूबर 1872 को सुल्तान मुराद को खुफिया तौर पर लॉज में शामिल किया गया। सुल्तान अब्दुल अजीज ने अपने बेटे शहजादा यूसुफ अजीजुद्दीन के हक में जानशीन बनने के निजाम को तब्दील करने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे क्योंकि सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने अपने भाई के बाद मुराद पंजम को जानशीन मुकर्रर किया था। जब सुल्तान मुराद पंजम को अपने खिलाफ इस साजिश का पता चला तो उन्होंने आईनी हलकों के साथ तआवुन किया और सुल्तान अब्दुल अजीज की माजूली में हिस्सा लिया। मई 1876 की रात को उस्मानी तंजीमात दौर के मारूफ सियासतदान और वजीर जंग हासिन औसी पाशा की सरबराही में कमेटी बनाई गई जिसकी सरबराही माहिर मिदहत पाशा ने की। उन्होंने सुल्तान अब्दुल अजीज को मासूल किया और सुल्तान मुराद पंचम को तख्त पर बिठा दिया जिसके बाद वो सुल्तान बनने में कामयाब हो गए। सुल्तान मुराद ने कामयाबी के साथ तख्त तो हासिल कर लिया लेकिन सुल्तान मुराद इस काबिल नहीं थे कि वो अपने मकाम को बरकरार रख सकें। सुल्तान मुराद ने सुल्तान बनने के बाद अपने नए किरदार में नमूदार होने की जिदोजहद की मगर सुल्तान मुराद मौसीकी की आदत, कमजोर असाब और शराब नोशी की आदत की वजह से जहनी तौर पर बेहतर काम करने के अहल नहीं थे। जब सुल्तान मुराद को अपने चचा सुल्तान अब्दुल अजीज की खुदकुशी का पता चला तो उन्होंने इस बात का गम दिल पे ले लिया क्योंकि सुल्तान मुराद खुद को अपने चचा का कातिल समझते थे और इसी वजह से उनकी दिमागी हालत खराब रहना शुरू हो गई। सुल्तान मुराद ने अजीबोगरीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। हकूमती रहनुमाओं ने नफ्सियाती अमराज में माहिर डॉक्टर वेंसी से उनकी मुलाकात करवाई जिन्होंने ये नतीजा खस किया कि नए सुल्तान मुराद क्लिनिक में 3 माह के इलाज से मुकम्मल सेहतियाब हो सकते हैं लेकिन हकूमती रहनुमा कोशिश करने को तैयार नहीं थे जबकि दीगर वज़रा तख्त पर एक जहनी तौर पर काबिल शहजादे को बैठे हुए देखना चाहते थे जिसके लिए सुल्तान मुराद के छोटे भाई अब्दुल हमीद को तख्त का वारिस बनाने का फैसला किया गया जिसके बाद काजी ने सुल्तान मुराद को मुल्क बदर करने के फैसले की मंजूरी दी और सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम को तख्त पर बिठाने का ऐलान कर दिया जिसके बाद मदहत पाशा और उस्मानी हुकूमत ने महज 93 दिन की हुकूमत करने के बाद सुल्तान मुराद पंजम को 31 अगस्त 1876 को मासूल कर दिया जिसके बाद उनके छोटे भाई सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम तख्त नशीं हो गए। इसके बाद मुराद पंजम को चिरागा महल तक ही महदूद कर दिया गया क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम ने उनको मुल्क बदर करने की इजाजत नहीं दी थी। 20 मई 1878 को सुल्तान मुराद को चिराग महल से आजाद करवाने और इसे तख्त नशीनी में बहाल करने की भी कोशिश की गई मगर ये कोशिश नाकाम रही। 1889 में अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद सुल्तान मुराद ने अपनी सारी मोहब्बत और तवज्जो अपने बच्चों पर मरकूज कर दी। सलाहुद्दीन गम में सुल्तान मुराद का साथी बन गया और ये दोनों गुज़िश्ता दिनों की यादें ताज़ा करने के साथ साथ मुस्तकबिल के बारे में सोचते कई कई घंटे गुजार देते। नाज़रीन, सुल्तान मुराद पंजम 29 अगस्त 1904 को चिरागा महल में इंतकाल कर गए। आखिरी रसूमात के इनेकाद के बाद उन्हें इस्तांबुल की नई मस्जिद में अपनी वालिदा के पहलू में सपुर्द
खुर्दे खाक किया गया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया का क्या बना, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमती वीडियोस मिलती रहें।